हेलो एंड वेलकम मैं हूं अर् दोस्तों आज हम ऐसी टॉपिक की बात करेंगे जो काफ़ी ट्रेंडिंग में है आप तो डेली अपने लाइफ में यूज करते होंगे वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका नाम क्या है एक नए टर्मोलॉजी के नाम से उसको डिफाइन किया जा रहा है जिसको हम नाम दे रहे हैं डूम्स डे आज हम बात करेंगे डूम्स डे स्क्रॉलिंग की डूम्स डे जो एक टर्म है अभी देखिए द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल यहाँ पर छपा हुआ है जिसमें लिखा है वाट इज़ डूम्स डे स्क्रॉलिंग एंड वाई टू अवॉइड इट दैट मीन्स डूम्स डे जो होता है क्या होता है जो हम लोग यूज करते हैं सोशल मीडिया और अदर प्लेटफॉर्म उससे ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं डूम्स डे स्क्रॉलिंग होता क्या है कि मान लीजिए हम कोई भी साइट चला रहे हैं नॉर्मली सोशल मीडिया साइट हो गया फेसबुक हो गया ट्विटर हो गया उस पर क्या करते हैं कि हम कोई भी न्यूज़ देखते हैं और स्क्रॉल करते रहते हैं हमेशा देखिए आप अगर पाँच मिनट के लिए फेसबुक चलाने जा रहे होंगे तो आपका लगभग लगभग एक घंटे बर्बाद हो जा रहा होगा होता है क्या है कि हम कोई भी कंटेंट देखते हैं कोई भी न्यूज पढ़ते हैं और उसके रिलेटेड और भी न्यूज आने लगते हैं तो स्क्रॉलिंग मतलब होता है कि चीज़ों को आगे बढ़ाना हम क्या करते रहते हैं कि स्क्रॉल करते रहते हैं अपने जो मोबाइल स्क्रीन होती है उस पर स्क्रॉल करके अगला न्यूज अगला न्यूज और अगला न्यूज ऐसे करके हम देखते रहते हैं अगर कोई न्यूज़ देख रहे हैं या फिर कोई वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को आगे रखते रहें और स्क्रॉल करते रहते हैं इसे कहते हैं डूम्स डे स्क्रॉलिंगिंग आज की मॉडर्न वर्ल्ड में जिसमें कोरोना पैंडमिक चल रहा है इसकी समस्याएं ज़्यादा देखने को मिल रही हैं क्योंकि हर एक व्यक्ति इस समय मोबाइल के साथ लगा हुआ है और स्पेशली इस समय क्या कर रहा है कि कोरोना की न्यूज खासकर अपने मोबाइल के अंदर हाउ टू प्रिकॉशन हाउ टू मेंटेन ऑक्सीजन लेवल जैसे न्यूज जो है वो सर्च कर रहा है होता क्या है कि आप जो सर्च करते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अलग एल्गोरिदम पे वर्क करते हैं वही चीजें आपको बार बार देने लगते हैं और यही समस्याएं आ रही है कि अगर आप कोरोना न्यूज देख रहे हो तो बार बार जो नोटिफिकेशन आएगा उसी का नोटिफिकेशन आएगा जब भी आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे वाली जो नोटिफिकेशन दिखेगी जो ऊपर तो आप देख ही रहे हो जो नीचे आप देख रहे हो वो भी सेम नोटिफिकेशन आपको दिखेगी और सेम जो पिक्चर होगी वही नीचे आएगी और ऐसा होता क्यों है आप समानता देखे होंगे कि आप एक न्यूज चैनल की साइड खोले या कोई मूवी देख रहे हो या कोई वीडियो देख रहे हो जैसे आप डांस वीडियो देख रहे हो या भोजपुरी की कोई गाने सुन रहे हो तो होता है कि आप दो तीन गाने सुन लिए तो अगली बार से जो नोटिफिकेशन होता है सेम वही नोटिफिकेशन आता है आप जब भी स्क्रॉल करोगे ऊपर या नीचे तो सेम वही फ्रिक्शन में आ जाएगा जो आप पहले देखे हो या फेसबुक चला रहे हो कोई वीडियो देख लिए या कोई भी ऐसी चीजें देखे जो आपको पसंद है तो होता क्या है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जो हमारे सिस्टम में होता है उसका ऐसा एल्गोरिदम होता है जैसे फेसबुक हो गया या ट्विटर हो गया वो अपना एल्गोरिदम सेट करके रखते हैं तो सेम जो वीडियो होता है वो समझ जाता है कि आपकी पसंद क्या है एल्गोरिदम जो था रीड कर लेता है कि आप कैसे वीड्स पे काम कर रहे हो कैसे वीड्स को देख रहे हो तो करता क्या है कि वही कंटेंट जैसे आप कोविड के मरीजों के बारे में पढ़ रहे हो तो सेम आप कोविड के बारे में आने लगेगा आपके मोबाइल पे जितना कोविड से रिलेटेड न्यूज होंगे यूट्यूब पे या कहीं भी फेसबुक पे वो आपको आने लगेंगे और आप बार बार वही देखोगे और इस समय क्या हो रहा है कि लोग पैनिक हो जा रहे हैं यही चीजें बार बार वही कंटेंट देख देख के पैनिक हो जा रहे हैं और ये समस्याएं मैक्सिमम लोगों में आ रही है क्योंकि ये जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कनेक्ट होता है दूसरे से पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करके रखा है तो आप अगर कोई भी चीजें देख रहे हो तो इसको सिग्नल मिलता है और इसका एल्गोरिदम ऐसे सेट होता है कि आप क्या देख रहे हो आपको पसंद क्या है वो समझ जाता है और बार बार आपको वही वीडियो आपकी स्क्रीन पर आएगी दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे स्टडी बूस्टर को सब्सक्राइब स्टडी बूस्टर को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों हम आगे भी आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाते रहेंगे प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लेकिन आपको एक बात समझना होगा कि आप जब कोई भी वीडियो देखते हो या कोई भी चीज़ देखते हो तो आपके अंदर ऐसा क्या होता है कि आपकी इंटरेस्ट उसके प्रति बढ़ जाती है जैसे आप कोई वीडियो देखने बैठते होंगे या आप फेसबुक चलाते होंगे तो आप एक पाँच मिनट के लिए गए कि चलो एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं जितना नोटिफिकेशन आए होंगे फिर बंद कर देंगे फेसबुक को लेकिन होता क्या है कि आप देखते देखते आगे बढ़ जाते हो ऐसा क्यों होता है होता क्या कि हमारे जो बॉडी में होता है हारमोन्स जो होते हैं वो एक्टिविटीज़ को रिलीज करते हैं कंट्रोल करते हैं हमारे बॉडी के जो हारमोन्स होते हैं हमारे बॉडी के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं तो हमारे बॉडी में एक हारमोन्स होता है डोपामाइन डोपामाइन जो हमारी बॉडी रिलीज करती है होता क्या जब डोपा माइंड बढ़ जाता है और कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो तो आपको जो होता है उसी साइड में अट्रैक्ट करेगा उसी चीजों के लिए फोर्स करेगा डोपामाइन डोपा माइंड तरह माइंडिक सूत्र होता है डोपामाइन का अब डोपामाइन जो होता है हमारे माइंड में होता है रिलीज करता है हमारा माइंड जो होता है डोपामाइन रिलीज करता है तो हम जैसे एक्टिविटी करते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये भी अपना वर्क करता है अगर, अगर हम किसी चीज को ज्यादा देख रहे हैं दैट मीन डोपामाइन जो होता है उस पर वर्क कर रहा है कभी कभी होता है क्या है कि इंसान काफी खुश होता है और खुशी होता जाता है क्योंकि उसका डोपा माइंड जो होता है उस साइड में वर्क करता है जैसे होता है कभी कभी देख, देखते होंगे आप लोग कि हम कोई मूवी देख रहे हैं और हमारा इंटरेस्ट में बना हुआ तो हम मूवी के साथ बने होते हैं अगर हमें सोचेंगे तो छोड़ ही दें ऐसा नहीं होता है क्योंकि डोपा माइंड वर्किंग में होता है जब डोपा माइंड वर्किंग में होगा तो हमें फोर्स करता है कि ये आप करो और हम क्या करते हैं कि वही काम करने लगते हैं जैसे क्या होता है कि इस समय अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो जो अफेयर्स होता है जो एडल्ट का फेयर होता है उसमें क्या होता है कि आपका ब्रेकअप हो गया नॉर्मली कोई भी ऐसी घटना हो जाती है तो आप अपने आप को भी रोक पाते हो उस पर आपका माइंड जाता है <coughs> क्योंकि डोपा माइंड जो होता है हमारे माइंड रिलीज होता है उन चीजों को बार बार आपको फोर्स करेगा और आपके माइंड को वहीं डाइवर्ट करता है और आपका माइंड उसी के अराउंड घूमता रहता है तो डोपामाइन जो होता है हमारे शरीर में इसको कंट्रोल करके हमें चलना चाहिए अब कंट्रोल कैसे होगा आपको अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए आपको अच्छी एक्टिविटीज करना चाहिए देखिए यहां बात कर रहे हैं कि वेस्ट वे टू टिकर डोपामाइन लेवल कैसे इसको हम टिगर करेंगे पावर अप विथ प्रोटीन अच्छे प्रोटीन लें हम लो फैट डाइट होता है मतलब डाइट को अपने कंट्रोल में रखें ये भी इस पर प्रभाव डालता है होता है, क्या है कि जो हम खाते हैं उसका भी इफेक्ट पड़ता है क्योंकि हमारे बॉडी में प्रोटीन जो होती है हार्मोन जो होते हैं उससे सभी रिलीज होते हैं तो इनका भी हमारे बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है रेगुलर एक्सरसाइज करें क्योंकि जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो सेल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के मसल्स होते हैं उनको स्ट्रेस करते हैं हम माइंड में जो होता है स्ट्रेस करते हैं तो उससे जो हार्मोन्स होता है और जो भी बॉडी की एक्टिविटी होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है अब यहाँ देखिए ये जो लेवल बताया जाए कैसे आप क्या करेंगे तो कैसे आपका डोपा माइंड बढ़ता रहता है और किस केस में अधिक बढ़ेगा जैसे देखिए लास्ट का हीरोइन आप जो बात करेंगे जो एक एल्कोहलिक होता है इसके अंदर कॉन्शियस माइंड को कर देता है ऐसी चीजों को हम ले रहे हैं तो डोपा माइंड हमारा जो बढ़ जाता है और इससे क्या होता है कि हम बहुत सी चीजों को नहीं सोच पाते हैं अलग अलग जो हमारे माइंड के वेरिएशन होता है सोचने की थिंकिंग होती है वो कम हो जाती है क्योंकि डोपा एक ही चीज़ पे आपको फोर्स कर देगा जब भी आपको दिक्कत होती है आप क्या करते हो अल्कोहल लेते हो क्योंकि चीज़ें क्या होती हैं कि ये कॉन्सेंट्रेट कर देगा आपके माइंड को एक ही जगह ले जाकर कॉन्सेंट्रेट करता है आप बाहरी चीज़ों को नहीं सोच पाते हो जब भी आप प्रेशर में होते हो तो ऐसा करते हो तो देखो हीरोइन में जो होता है डोपा लेवल जो बढ़ गया है अब ऐसे इसमें देखो और बढ़ गया तो ये क्या करते हैं कि और भी चीजों को थिंकिंग करने से रोकते हैं तो जो प्रॉब्लम होती है आपको उधर आप नहीं सोच पाते हो थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है लेकिन डोपामाइंड को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए देखो तो सबसे अच्छा जो डोपामाइंड लेवल होता है आपको स्लीपिंग के समय होता है फिर क्या होता है टेकिंग हॉट्स अगर आप गर्म पान सुना रहे उसमें भी कंट्रोल में होता है फिर डांसिंग के समय भी थोड़ा सा एक्साइटेड आप होते हो तो थोड़ा डोपामाइंड बढ़ता है लेकिन वहां भी कंट्रोल फॉर्म में होता है ये देखो अभी कंट्रोल में है यहां भी नॉर्मल है अब अब देखो आप पासिंग एन एग्जाम तो थोड़ा सा आप ज्यादा एक्साइटेड होते हो क्योंकि आप एक साल मेहनत की हो पढ़ाई की हो तो एक्साइटेड लेवल जो होता है बढ़ जाता है आप उसी पर कॉन्सेंट्रेट होते हो तो देखो जैसे जैसे एक्साइटेशन आपका बढ़ रहा है डोपामाइन बढ़ते जा रहा है देखो फॉल इन लव तो और आपका जो डोपामाइन होता है और हाई होता है उस केस में अब देखो डोपामाइन पढ़ने से क्या क्या समस्या आएंगी देखो यहाँ है आप पढ़ लो डोपामाइन जब आपके बॉडी में बढ़ जाएगा जो बता चुके हैं आपको पहले ही तो यहाँ ज्यादा पढ़ने की जोड़ती है क्योंकि हम बता चुके हैं कि डोपामाइन बढ़ेगा तो क्या क्या दिक्कत आएंगी ये सभी दिक्कतें आ सकती हैं क्योंकि आपका माइंड जो होता है ज़्यादा वर्क नहीं करता है डोपामाइन बढ़ने पे सो so फ्रेंड्स आप भी अपना डोपामाइन कंट्रोल करने का प्रयास करो इस समय कोविड के कोविड के समय में आप जो डूम डे फिक्सिंग स्क्रॉलिंग जो कर रहे हो डूम्स डे उस पर भी आप कंट्रोल करो चीज़ों को नॉर्मल रखो और अच्छी किताबें पढ़ो आप जिससे आपको भी जो डूम्स डे स्क्रॉलिंग है उसकी समस्या नहीं नॉर्मल रूप से इस समय डूम्स डे स्क्रॉलिंग सबके साथ लगी हुई है दोस्तों लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद और अगर आपने अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एक मिनट लगता है यार आप सब्सक्राइब नहीं करते हो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो आप